डिपार्टमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ही अलीगढ़ में 5000 किलो नकली घी जब्त किया है, जिसे आने वाले फेस्टिव सीजन में लोकल मार्केट्स में बेचने का प्लान था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कैंटर को रोका, जिसमें इस नकली घी के 25 ड्रम्स भरे हुए थे। जब इस घी के सैंपल की जाँच की गयी तो पता चला की हर ड्रम में 200 लीटर से ज्यादा घी नकली था। और सिर्फ यही एक केस नहीं, पिछले महीने भी एक खबर सामने आई थी जिसमें जयपुर में डीमार्ट में सरस का नकली घी बेचा जा रहा था। 450 लीटर घी वहां से सीज किया गया था। फिर उसके बाद गुजरात के नवसारी में भी एक कंपनी में 3000 किलो के करीब मिलावटी घी बरामद किया गया। तो ऐसे में घी खरीदते समय या हमारे घर पर जो घी रखा हुआ है वो शुद्ध है या नहीं, ये पता होना बहुत जरूरी है। और इसे ही ध्यान में रखते हुए FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घी की प्योरिटी को चेक करने के कुछ सही और आसान तरीके बताए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं नवनी और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले काफी समय से ये देखा जा रहा है कि अब भारत में खाने पीने की चीजों में मिलावट का धंधा जोरों पर है। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में व्यापारी खाने पीने की चीजों में खतरनाक केमिकल से लेकर कई खराब चीजों को मिलाकर मिलावट करते हैं, और ऐसी चीजों के सेवन से कैंसर, फूड पॉइजनिंग, पेट खराब होना, लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन्स का डैमेज होना, ऐसी जानलेवा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर बात करें घी की, तो घी हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर हर दिन घी का इस्तेमाल ना होता हो। तो ऐसे में अगर घी शुद्ध ही ना हो तो क्या फायदा। घी में मिलावट एक बहुत ही सीरियस इशू बन गया है। कई बार शुद्ध घी के नाम पर हमें मिलावटी घी मिल जाता है, जो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है बल्कि एक धोखा भी है। घी में सफेदी, गाढ़ापन और स्वाद बढ़ाने के लिए वनस्पति तेल, जानवरों की चर्बी, मिल्क पाउडर, स्टार्च, आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाने से पेट से जुड़ी या दिल से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। और इतना ही नहीं, इससे स्किन से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि FSSAI के अनुसार हम घर पर ही नकली घी की पहचान कैसे कर सकते हैं। नंबर एक, आयोडीन टेस्ट से पता करें कि घी शुद्ध है या नहीं। एक कांच के बर्तन में आधा चम्मच घी डालें, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप्स डालें और मिक्स करके 20 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर इसका रंग नीला होने लगे तो समझ लें कि इसमें स्टार्च मिलाया गया है। नंबर दो, पानी के साथ टेस्ट करें। इसके लिए आपको एक कांच के गिलास में पानी लेना है, इसके बाद इसमें 1 चम्मच घी डालकर छोड़ दें। अगर घी पानी के ऊपर तैरता है तो ये घी शुद्ध है, लेकिन अगर ये गिलास के तल में बैठ जाता है तो ये घी अशुद्ध है। नंबर तीन, घी को उबाल कर टेस्ट करें। अब इसके लिए आप एक पतीले में घी को निकाल लें और उसे अच्छी तरह गर्म कर लें। अब इस पिघले हुए घी को एक कांच के बर्तन में भर दें और इसके बाद इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। अब देखें कि इसके ऊपर एक अलग परत बन जाएगी। अगर हाँ, तो इसका मतलब ये है कि घी शुद्ध है। नंबर चार, शुद्ध घी की पहचान के लिए आप पाम टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा घी अपनी हथेली पर डालें। अगर ये शुद्ध गाय का घी है तो पिघल कर गिरने लगेगा, और अगर ये मिलावटी है तो हथेली पर वैसा का वैसा ही रहेगा। नंबर पाँच, HCL टेस्ट। HCL टेस्ट में थोड़ा सा घी एक टेस्ट ट्यूब या किसी बर्तन में लें और अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर घी असली है तो इसका कलर नहीं बदलेगा, और अगर घी मिलावटी होगा तो ये लाल रंग का हो जाएगा। तो ये है कुछ आसान से टेस्ट जिनसे आप घर पर ही असली घी की पहचान कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और हेल्थ और फूड से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट। Bye.